एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, टीएस ग्रेवल की बुक से हम कर रहे हैं पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे, जिसमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। इसमें भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, जब भी आपको गुडविल निकालनी है तो स्टेप्स में फॉलो करके आपको क्वेश्चन करना है, इससे आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 करेंगे, जिसमें आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं। आप देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 150,000। सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रेट आपको गिवन है 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म 50,000। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहले लिखूं 33। हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है और गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। देखो, जब भी कैपिटलाइजेशन करते हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो या फिर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालो, आंसर दोनों से सेम आता है। बट अगर आपको कोई भी मेथड नहीं बोला तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से ही करोगे, उससे आपका टाइम भी कम लगता है और स्टेप भी कम है। इसमें सिर्फ दो ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप वन और स्टेप टू। स्टेप वन में जोन सा आपको प्रॉफिट आपको करना है, जिस प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है वही प्रॉफिट आपको चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना सुपर प्रॉफिट है, 50,000। ये स्टेप वन तो हमें ऑलरेडी गिवन है। स्टेप टू में ही आपका क्या होता है, कैपिटलाइजेशन, जो आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दो, वही आपका आंसर होगा गुडविल का। आप सुपर प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है, किसी का भी जब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो या फिर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो, जो आपको क्वेश्चन के अंदर रेट दी होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है। ये हमेशा याद रखो, रेट क्या होती है कैपिटलाइजेशन में, डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो आप कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000, रेट कितनी है 10, परसेंटेज मल्टीप्लाई में लग जाएगा 100, इसको कट करो, ये आपका आंसर आ गया 5 लाख गुडविल। क्या आ गया, गुडविल। गुडविल क्या आया, 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 10%। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूजिंग वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके गुडविल निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, जब हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो हमें दो स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप वन में आपको क्या चाहिए, जिसका कैपिटलाइजेशन करना है वो वाला प्रॉफिट। तो स्टेप वन में हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप वन, हम यहाँ पर स्टेप वन लिखेंगे और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल गिवन है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है आपको, 2 लाख। तो 2 लाख, रेट कितनी है 10%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और आपका सुपर प्रॉफिट, आपको देखो पूरा वर्ड्स लिखना है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ बट आपको पूरा पूरा वर्ड लिखना है। S फॉर सुपर, P फॉर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, सबसे ऊपर देखो 30,000, तो 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, 20,000।
तो 10,000 का आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू में आपका क्या होता है, गुडविल ही होता है। स्टेप वन में आपका क्या निकलेगा, गुडविल। गुडविल क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला 10,000, उसका कैपिटलाइजेशन कर लेंगे। कैसे करते हैं, 10,000 लिखा आपने सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई, अब रेट क्या होगी, डिवाइड होगी। कैपिटलाइजेशन में रेट क्या होती है, डिवाइड होती है। कितनी रेट है, 10, और मल्टीप्लाई 100, उसको कट करो तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 1 लाख। यही आपका आंसर है।